के पहले आता है गुंडा, गुंडा। तो फाइनली दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान एक लंबे समय के बाद ईद के धमाकेदार मौके पर दुनिया की मच अवेटेड फिल्म को लेकर आए थे और क्या धमाल कर रही है। किसी का भाई किसी की जान हर दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल है। रोज एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सेट करके कमाई तो अपने खाते में रखी रही है, साथ ही लोगों के दिलों पर जबरदस्त राज भी कर रही है। तो आज जानेंगे कि फिल्म अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, क्या सलमान और पूजा हेगड़े की ये जोड़ी लोगों को पसंद आ रही है, अभी तक कितने रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर चुकी है फिल्म, मूवी कैसी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी हिट है या फ्लॉप, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सलमान के साथ पूजा हेगड़े की ये केमिस्ट्री पहली बार बड़े पर्दे पर लोगों को देखने को मिल रही है, जिसे लोग पसंद भी काफी कर रहे हैं। देखा जाए तो मूवी की स्टोरी लाइन एकदम एवरेज है, सिंपल है, कुछ जगह मूवी को खींचा गया है, लेकिन सम अपार्ट मूवी अमेजिंग सीन्स हैं जो लोगों को थिएटर्स में सीटियां और तालियां मारने पर मजबूर कर ही दे रहे हैं। बेस्ट पार्ट है इसमें सलमान भाई का एटीट्यूड, उनका स्वैग और ब्रेथ टेकिंग मोमेंट तो भाईजान का एक्शन है। जी हाँ दोस्तों, एक्शन में पूरी जनता का दिल लूट लिया है भाईजान ने। लव एंगल में इतना मजा नहीं आएगा, स्टोरी भी इतनी दमदार नहीं है, क्योंकि बिना लॉजिक कैसे भी कहीं भी कहानी पहुंचा जा रहा है। लेकिन सलमान भाई के स्टारडम ने सिनेमा घर में खलबली मचा रखी है और हेटर्स की सिर्फ बोलती बंद ही नहीं करी है, मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, रोज एक जबरदस्त कमाई अपने खाते में रखकर। दोस्तों, फैमिली ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म किसी का भाई किसी की जान का कॉन्टेंट सुपर फैमिली एंटरटेनमेंट के पर्पज से है, जिसको ऑडियंस विद फैमिली काफी इंजॉय कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को फराज सामजी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है, जिसमें आपको बेहतरीन स्टार कास्ट पूजा हेगड़े सेकंड लीड रोल में दिखेंगी, भाईजान के भरपूर साथ दे रही हैं, साथ ही वेंकटेश रघुपति, जगपति, राघव जुयाल, सहनाज गिल, जस्सी गिल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फराज सामजी के डायरेक्शन में इस बार दम तो है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से इनकी मूवी पिटी जा रही थी, लेकिन सलमान के स्टारडम ने मूवी और डायरेक्शन को चार चांद लगा दिया है। बता दूं तो अपने पहले दिन नॉन हॉलीडे में बिग एवरेज ओपनिंग लेते नजर आई थी किसी का भाई किसी की जान। जी हाँ, 15 करोड़ का कलेक्शन अपने पहले दिन इंडिया से करा था और दूसरे दिन जबरदस्त बाउंस बैक करते हुए 90% की ग्रोथ के साथ लगभग 26 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा अपने नाम करा था। वहीं तीसरे दिन भी जबरदस्त कमाई अपने खाते में रखी थी और लगभग 27 करोड़ का बिग कलेक्शन करा था। इसी के साथ पहले तीन दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से लगभग 68 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। इसी के साथ भाईजान की फिल्म इस साल की सेकंड बिगेस्ट ओपनर का टैग ले लिया है और अपने पहले तीन दिन की कमाई से काफी अच्छा गरजते नजर आए सिनेमाघरों में और बॉक्स ऑफिस पर। दूसरा, वहीं हेटर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि ईद की वजह से ट्रेंड हो गई फिल्म, वीकेंड में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपने चौथे दिन भी क्या जबरदस्त ट्रेंड करते नजर आई है सिनेमाघरों में, जबकि मंडे वर्किंग डे भी होता है, उसके बावजूद 10 करोड़ 50 लाख तक का जबरदस्त होल्ड कल अपने चौथे दिन में देखने को मिला था। इसी के साथ पहले चार दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 78 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। वहीं बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो यस, हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भाईजान ने पहले चार दिन में पूरी दुनिया से लगभग 127 करोड़ के ऊपर कमाई अपने खाते में रख ली थी। बात करें आज यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ कर रही है फिल्म, तो यस, लगभग 1.5 करोड़ की एडवांस अपने हाथ में रखते हुए जबरदस्त ट्रेंड कर रही है, जिसमें मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 14-15% था और दोपहर और शाम को भी अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है, जो एंड ऑफ द डे शायद 11 करोड़ के आसपास स्ट्रांग होल्ड करते नजर आएगी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 91 करोड़ के ऊपर हो चुका होगा और पूरी दुनिया से लगभग 140-142 करोड़ के बीच में आंकड़ा सेट कर देगी। दोस्तों, भाईजान की फिल्म को जनता काफी पसंद कर रही है, तो ये आप लोग बताएंगे अगर आपने फिल्म देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी। दूसरा, आपको क्या लगता है भाईजान की फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, फटाफट सब कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।